नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी की दोस्तों सबसे खास बात आज की क्या है कि सबसे पहले दोस्तों देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियों को हमने देखा कि कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद, उसमें डीमर्जर होने के बाद, उसमें थोड़ा सा क्या है कि मतलब डीमोटिवेट आप कह सकते हैं कि स्टॉक होता है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो स्टॉक ने मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में जो है कि आज के दिन ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद स्टॉक भी देखा है तो डीमोटिवेट हुआ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद स्टॉक आखिरी क्षण में दोस्तों ऑल टाइम हाई लगाया। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि सबसे बड़ा आप इसको गुड न्यूज मान सकते हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई मतलब कि छोटी मोटी कंपनी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी आप इसको कर। बहुत सारे ट्रेडर्स ने आज के दिन बाइंग किया होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स हो सकता है कि कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद जो है कि बाइंग करने के बारे में विचार करेंगे, उससे रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि दोस्तों आज की बात करें जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट होता है, उसमें जो कि कल के दिन एक्सपायरी थी, जो कि रिलायंस का आज के दिन ही एक्सपायरी करा दिया गया है। हम रिलायंस के स्टॉक के ऊपर भी आएंगे दोस्तों, लेकिन हाँ सबसे पहले हम कुछ न्यूज को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्पेशल प्री ओपन सीजन इन रिलायंस ऑन थर्सडे, मतलब जो कि गुरुवार को दोस्तों, हाउ विल इट इम्पैक्ट निफ्टी 50 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको अभी हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, रिकॉर्ड डेट फिक्स डेट जो भी है 20 जुलाई देखने को मिला था, जो कि हर रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर पे आपको रिलायंस स्ट्रेटेजी या तो जियो फाइनेंस आप कह सकते हैं कि एक शेयर आपको फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया विल कंडक्ट स्पेशल प्री ओपन सीजन जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक ऑन थर्सडे ऑन अकाउंट ऑफ डीमर्जर ऑफ द इस फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस ऑन द कंपनी रिलायंस, जो कि फिक्स डेट यहाँ पे हमने सभी देख लिया, एक शेयर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इन द रिलायंस NSE विल कंडक्ट स्पेशल प्री ओपन सीजन 9 से 10 के बीच में दोस्तों, ये स्पेशल प्री ओपन सीजन होगा, जो कि मीन्स नॉर्मल ट्रेडिंग, इससे मतलब कि देखा है तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग हो कह सकते कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है, गिवन ए डिले ट्रेडिंग मतलब कुछ देर से भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस समय देखा जाए, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि 49 शेयर ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या दोस्तों, HDFC में वो मर्ज हो गया, यहाँ पे डी मर्जर ये निकल जाएगा, मतलब जो कि फाइनेंशियल वाला शेयर। NSE ने दोस्तों रिवाइज किया था गाइडलाइंस को, जो कि कंसीडर किया था कि मतलब जो कि कॉर्पोरेट एक्शन सच एज मतलब ऐसे में अगर मर्जर या डीमर्जर किसी इंडेक्स वाले स्टॉक में होता है तो अंडर द न्यू रूल्स के अंतर्गत जो कि देखा है तो डीमर्जर इंट्रोड्यूस इंडेक्स स्टॉक विल बी टेम्पररली एडेड इन इंडेक्स में, जो कि मतलब जो कोई भी स्टॉक दोस्तों मर्ज होता है या डीमर्ज होता है, मतलब जब तक कोई दूसरा स्टॉक उस इंडेक्स में इंक्लूड नहीं होता है तब तक टेम्परेरी देखा जाए तो जियो फाइनेंस का शेयर आप कह सकते हैं कि इस निफ्टी 50 में जो कि जीरो वैल्यू के साथ जो कि मतलब ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि ईटी में इकोनॉमिक्स टाइम की बात करें तो उसमें जो है कि एक्सप्लेन किया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूरिंग द स्पेशल प्री ओपन सीजन रिलायंस निफ्टी 50 इंडेक्स वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द वैल्यूएबल, मतलब जो कि प्राइस 49 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस रिलायंस की बात करें तो जीरो वैल्यू के साथ जो कि जियो फाइनेंस का शेयर निफ्टी 50 में मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग कर सकता है, या मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, तो अभी वो निकाला गया है कितने के प्राइस पे लिस्ट होगा, क्या होगा उसका जो भी वैल्यू रहेगा दोस्तों, वो जीरो वैल्यू के साथ मतलब अभी जो कि ट्रेडिंग कर सकता है ऐसा जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं पे जो नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करें तो 10 बजे के आसपास यहाँ पे निफ्टी 50 में इंडेक्स में जो कि विल बी कंप्यूटेड सोर्सिंग के थ्रू जो कि बताया जा रहा है, डिस्कवर किया जा रहा है प्राइस ऑफ जियो का, मतलब जो कि देखा जाए दोस्तों तो आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 190 रुपये से मतलब 200 के अंतर्गत आप पकड़ सकते हैं, 200 से लेकर के 190 से लेकर के 160-170 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात करें तो इसमें कुछ भी बदलाव होते हुए नहीं दिख सकता ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे दोस्तों कि मतलब जियो फाइनेंस क्या है कि निफ्टी 50 में, ऐसा नहीं दोस्तों, कुछ समय के लिए जो है कि जियो फाइनेंस को निफ्टी 50 में रखा जाएगा, जो कि लिस्टेड के बाद देखा है तो मतलब निफ्टी 50 में एक केनहवा मतलब कि 51 स्टॉक हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 दिनों के लिए इसको रखा जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों कि जो गाइडलाइंस पेश किया है गवर्नमेंट्स की बात करें, मतलब कि NSE BSE की बात करें तो उनका जो गाइडलाइंस है उसमें मतलब कि जो डीमर्जर या मर्जर कोई भी स्टॉक मतलब जो कि इंडेक्स में है उसमें से अगर होता है तो उसको कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेस पे जो है कि उसमें से मतलब कि निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाएगा ऐसा बोला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि वैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पे 3 दिन के लिए बताया जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 दिन बाद जो कि रिमूव हो जाए। अभी हम बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो भी रिटेलर ने आज के दिन बाइंग किया होगा उनको जो है कि जियो फाइनेंस का शेयर मिलेगा। हालांकि जो कल के दिन बाइंग करेंगे दोस्तों उनको हो सकता है कि इसका लाभ न मिले। यही भी दोस्तों आप देख भी सकते हैं, कंपनी आज के दिन मतलब क्या है कि ये कंपनी एक फ्लैट चल रही थी दोस्तों, और देखेंगे तो 1% 1.25% के ऊपर जो है कि स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि स्टॉक में एक नया हाई लगाने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी नीचे आती है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ आखिरी क्षण में एक हाई काटने के बाद फिर वापस दूसरा मतलब हायर हाई आज के दिन
इनका स्टॉक दिखाता ही चला गया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आज का जो हाई है 2856 रुपए का, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आज का जो हाई है 2856 रुपए का देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इस कंपनी से रिलेटेड हमने बनाया था, मतलब कि बताया था दोस्तों, एक वीडियो बना के बताया था कि इससे सस्ता ये स्टॉक जो है कि नहीं मिलेगा। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वह भी दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन मतलब देखा है तो 19 लाख करोड़ के ऊपर इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखने को मिला है। हालांकि तो न्यूज़ में हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ऐसे में हमने जो भी न्यूज़ था, कंक्लूजन था, सारा कुछ निकाल दिया दोस्तों, मतलब कि हमने उस न्यूज़ में कवर कर लिया। यहाँ पे देख भी सकते हैं जो कि हाउ टू रिलायंस, मतलब क्या होगा, कैसे सब सारा कुछ जो है कि डिमर्जर के बाद क्या होगा, 3 दिन के लिए जो कि क्या रखा जाएगा दोस्तों, ये सब सारा जो है कि इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको FNO कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जैसा कि हमने आपसे बताया कि जो कि कल के दिन एक्सपायरी होने वाला था, जो कि आज के दिन ही एक्सपायरी करा दिया गया। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं कि देखिए आज के दिन देखेंगे तो स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे है। हालांकि रिलायंस को खरीदने का कोई भी टाइम नहीं दोस्तों, मतलब किसी भी प्राइस पे आप इस कंपनी को बाइंग कर सकते हैं, हाँ, लेकिन स्लो रिटर्न के लिए और सेफ रिटर्न के लिए एक कंपनी जानी जाती है। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन कंपनी ने एक नया हाई लगाया है। लो की बात करें तो लो भी आपको जो है कि 20 मार्च 2023 को ही देखने को मिलेगा, जो कि 52 वीक। खास बात दोस्तों इस कंपनी की, मतलब मुझे क्या लगती है, देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी में आज तक हमने जब भी देखा दोस्तों 50% के ऊपर ही माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि आज की भी अगर हम बात करें तो 70% जो है कि माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है दोस्तों कि अभी कंपनी के जो है कि 21 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसे में बहुत सारे इंटरेस्ट इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बताया जाता है कि स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे में कंपनी के Q1 के रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों, क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों, और मतलब कि आप कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी, तो ऐसे में इस कंपनी को बहुत ज्यादा फोकस भी रखा जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी शॉर्ट टाइम में लगभग आपसे बताना चाहते हैं कि 20% के आसपास अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दे दिया, तो ऐसे में हो सकता है कि इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। ऐसा मतलब देखिए ये तो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट जो कि मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं करते, तो एक थोड़ी सी अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं 7% 8% जो है कि रिलायंस जैसा शेयर नहीं गिरता है कभी भी, 3% 2% के आसपास कभी भी इसी स्टॉक में बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिल जाता है। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जियो इंडस्ट्री के पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने लॉन्ग टाइम के बारे में सोचा है वो लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचे, जिसको अभी बाइंग करना है मेरे पॉइंट से आप करंट प्राइस पे इस कंपनी को मतलब देखिए कल के दिन हो सकता है कि आपको सस्ता भी मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बता देते हैं कि इसमें से थोड़ा सा मतलब जो कि वैल्यूएशन जो कि इस कंपनी का माइनस हो जाएगा, तो ऐसे में ये सस्ता मिलेगा आपको, तो उस टाइम पे आप चाहे तो इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो इन्वेस्टर नहीं बाइंग करना चाहते हैं Q1 के रिजल्ट को देखने के बाद, फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे में स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है मेरे पॉइंट से 2500 के लेवल को टच कर सकता है। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो अभी जो कि मतलब 21 तारीख के बाद देखा है तो इस स्टॉक में कुछ मतलब कि जो कि विजन रहेगा दोस्तों क्लियर होते हुए दिख सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।